ढेर सारे गुब्बारे लेकर जाती है। क्यों? अरे किसी से मिलने जाना है तो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, मिल लेते हैं और इनके लिए ढेर सारे गुब्बारे ले जाते हैं। सबको नचाने वाला डांस का दीवाना ये है धर्मेश। आप सभी का सास बहू एंड बेटिया में स्वागत है। जिनके रग रग में डांस दौड़ता है, डांस इनकी जिंदगी है, डांस इनकी बंदगी है, इसीलिए ये टीवी के डिस्को डांसर कहलाते हैं। और आज सास बहू और बेटिया संग धर्मेश बिता रहे हैं पूरा एक दिन, जहां हम जानेंगे कि रियल लाइफ में वो कैसे हैं, कैसे रखते हैं अपने आप को फिट, खाने में क्या पसंद है और कैसे किया उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं डांसिंग डे आउट विद धर्मेश। ये मेरा घर है जो आप देख सकते हो, मैं इधर रहता हूँ 9th फ्लोर पे एंड सुबह सुबह का टाइम है एंड थोड़ा सा मैं मेरे घर के नीचे वॉक भी कर लेता हूँ। अपने आप को फिट रखने के लिए धर्मेश सुबह सुबह निकलते हैं स्ट्रीट वॉक पर, जहां वो सुबह की ताजी हवा खाते हैं और साथ ही साथ अपने टैलेंट से लोगों को एंटरटेन करते हैं उनके साथ स्ट्रीट डांस करके। तो भाई जैसे आपको पता है स्ट्रीट डांसर मूवी का एक गाना है मुकाबला, सो उसका एक स्टेप है ये वाला, तो मैं मेरे सभी जो बिल्डिंग के ध्यान रखते हैं सब लोग हैं उनको सिखाऊंगा। चलो तुम लोग रेडी हो? वो एक तो भाग गया, ऐसे ऐसे टर्न हो जाना, ऐसे टर्न हो जा, अपने को क्या करा मुक्का मारा देख, तेज है, एक दो तीन चार, इधर दो बार है करेंगे करना है, तो आ गया ना, लेकिन देख ये मुक्का मारना देख, एक दो तीन चार है, फिर उसके बाद नीचे से आना 1 2 ठीक है, चल आना रवि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ये देखो ये बहुत टाइम लगेगा, ऊपर अपना जो जिम का है ना वो ओपन कर दो, कल से तुम्हारे डांस क्लास चालू हो जाएगा। 2 3 4 अब वक्त हो गया है डांस प्लस के सेट पर जाने का और डांस के लिए धर्मेश एवर टाइम रेडी रहते हैं। तो अभी डांस प्लस के सेट पर जाने का टाइम हो गया है, मेरा कॉल टाइम परफेक्ट, तो आज पूरा दिन हमारा डांसिंग डे निकलने वाला है एंड आपको पता ये मूवी आ रही है सो पूरा दिन हम लोग डांसिंग ही करते रहते हैं, घर से निकलते हुए गाना भी वैसे ही मैं बजाते रहता हूँ, सो बहुत मजा आएगा। बरोड़ा के रहने वाले धर्मेश ने रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में अपनी किस्मत आजमाई, मुश्किलें तमाम आई लेकिन कामयाबी का किला फतह करने का धर्मेश का हाई जोश कभी कम नहीं हुआ और आज है धर्मेश इंडिया के बेस्ट डांस कोरियोग्राफर में से एक। जर्नी चाय का स्टॉल खोलने से या मिसल पाव ओपन करने से प्यून का जॉब करने से एंड पर ये सब के बीच में सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी डांस था, मुझे डांस करना ही है, क्लासेस करने हैं, उसके बाद मैं जॉब करूँगा। पहले होता कि मैं जॉब करूँगा और पार्ट टाइम का कुछ टाइम मिलेगा तब मैं बाकी का एक्स्ट्रा कोई चीज़ करूँगा, लेकिन मेरे लिए उल्टा था, मेरे लिए पहले डांस था, पहले उसके क्लासेस का टाइमिंग था एंड देन उसके बाद ये सब जॉब जो थी उनको बोला हुआ था कि भाई मेरे को मेरे क्लास के टाइम पे छोड़ देने का, कुछ भी हो मैं काम नहीं करूँगा। तो यही है कि सबसे पहले डांस को रखा, मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, अगर भूख लगे और ऐसे लगे कि तुझे डांस करना है तो मैं डांस कर लूँगा। सो यही है कि डांस मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गॉड गिफ्ट है, क्योंकि मेरे खानदान में कोई डांसर है नहीं। जब DID आया तब पहला सीज़न आया तब उसके अंदर एज लिमिट था 25 तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड मैं 26 का था तब, तो तब तो नहीं दे पाया, बट DID का सीज़न 2 जब आया मैं 27 हो चुका था एंड तब एज लिमिट भी बढ़ गई थी, 30 तक की हो गई थी, सो मेरे लिए बहुत वो हो गया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि रेमो सर उस शो में है, सो मुझे रेमो सर को मिलना है, कुछ भी करके मुझे रेमो सर को मिलना है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका एंड प्लस पहली बात तो पार्टिसिपेट जब मैं किया था DID में तब सोचा ही नहीं था कि मेरा इतना था कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा
असिस्टेंट कोरियोग्राफर बन जाऊंगा मैं उससे ऊपर बस मैं सपने उससे ऊपर नहीं सोचे मैंने, बट वही है कि और मेरा और एक सपना था मुझे बैक डांसिंग करना था हीरो के पीछे, बट जब डीआईडी में फिनाले में मैंने देखा कि यार मेरे पीछे ऑलरेडी मतलब पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है और मेरे पीछे बैक डांसर डांस कर रहे, तो मुझे एक जो चीज़ थी उससे ज़्यादा ही कुछ एक चीज़ मिल गई। एंड देन फारा मैम ने लिटिल मास्टर है मुझे फारा मैम ने 30 मार खान का गाना दे दिया कि मेरा गाना टाइटल सॉन्ग तो कोरियोग्राफ करेगा। अब ये मेरे सपने से और ज़्यादा हो गया था मैं, क्योंकि मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर का सोचा था कि वहाँ तक तो मैं पहुँच जाऊँगा, मतलब वहीं तक मेरा लिमिट है। लेकिन जब उन्होंने मुझे गाना दिया देन तब मेरे पास कोरियोग्राफर का कार्ड आया। सो इंडस्ट्री में जो कोरियोग्राफर हैं अपने बड़े बड़े जो गणेश आचार्य सर हैं, जमो सर हैं, सबके पास कहीं ना कहीं वो कार्ड है, तो उस टाइम पे मेरे पास भी वो कार्ड आया। सो इंडस्ट्री के वो लिस्ट में कोरियोग्राफर की लिस्ट में मेरा भी नाम आया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड देन बस फिर तो जो सपना था उससे आगे ही कुछ मिल गया। सर ने एक दिन घर पे बुलाया और बोला कि आप मेरे मूवी के लीड कैरेक्टर हैं। मतलब सर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब डायरेक्ट एक्टिंग। सर ने बोला डोंट वरी, एक्टिंग का मुझ पर छोड़ दो, आपके कोर्स वोर्स करेंगे, हम रिहर्सल करेंगे। सो मूवी मिल गई। देन पता चला यार मूवी जो एक्टिंग करने वाली जो चीज़ है ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है यार। मतलब बोलते हैं डांस करना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे सीखना कोई चीज़, लेकिन उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है एक्टिंग का। देन मुझे एक्टिंग में भी इंटरेस्ट आया, जितना मैं पागल था डांस के पीछे वैसे ही सेम पागल में एक्टिंग के पीछे भी हो गया कि यार ये लोग हम लोग अब मैं एक्टिंग को एक मूवी या कोई भी सीरियल या कोई भी चीज़ होती है उसको ऐसे नहीं देखता, मैं नॉर्मल ऑडियंस ऐसा नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि कितनी बारीकी से काम किया है, कितना वर्क किया है, कितने टाइमिंग में कैसा कैमरा घुमाया। तो अभी वो इंटरेस्ट आ गया, ABCD 1 ABCD 2 बैंजो किया, बैंजो के बाद नवाबजादे किया स्ट्रीट डांसर किया, और एक मेरा गुजराती मूवी जस्ट अभी स्ट्रीट डांसर जब रिलीज़ होगी उसके 3 वीक के बाद मेरा और एक मूवी आएगा जो मैं गुजरात से हूँ तो वहाँ अर्बन गुजराती मूवी है जिसका नाम है सफलता 0 किलोमीटर। मतलब जो हमारी सक्सेस है वो 0 किलोमीटर, उसका कोई ना तो कोई वो है ना पहुँच सकते हुए ना उसका कोई एंड है ना शुरुआत। सो वही है, इसका नाम है सफलता 0 किलोमीटर। तो ये मैंने किए तो ये भी आपको देखने मिलेंगे। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और हम पहुंच गए फिल्मिस्तान स्टूडियो डांस प्लस के सेट पर। सो अभी फिल्म सिटी हमारा फिल्मिस्तान जो है वो आ गया। डांस प्लस के सेट पर अपनी टीम से बातें मुलाकातें करके धर्मेश सीधा पहुंच गए अपनी वैनिटी वैन में शूटिंग के लिए तैयार होने। ये है मेरा वैनिटी एंड आज जो कपड़े हैं ये मैं पहनने वाला हूँ, और एक है ऑप्शन में, दो चीज़ मैंने रखी है, सो दो चीज़ मैं पहनूंगा। सो यही है एंड ज़्यादातर के मैं हिप हॉप में ज़्यादा रहता हूँ, मुझे हिप हॉप कपड़े बहुत पसंद है, मैं वैसे ही कैरी करता हूँ। वैसे आप देखोगे मैं आया हूँ घर से वैसे हिप हॉप में और हिप हॉप में पहनना है। सो यही सब चीज़ें, ये सब चैन है आपको पता होगा, पहन भी लेता मैं। अब ये कपड़े के साथ कैसे लगेगा वो सिर्फ देखना है, तो ऑप्शन है मेरे पास, सो देखते हैं अभी क्या होता है। विक्की ये है एंड कुछ चश्मे भी है, ट्राई करूँगा इसके साथ यही जाएगा शायद मैं वही ट्राई करूँगा येलो में, तो यही है सिर्फ, ये भी अच्छा लगेगा बट कपड़ा पहनने के बाद समझ में आएगा कि कैसे लगेगा। तो मेकअप शुरू करते हैं। हाँ एंड शूज़ भी है इसके साथ जो मैच हो रहे हैं वो येलो वाले हैं एंड दूसरे जो ऑप्शन है उसके लिए ये वाले शूज़ हैं। सो लेट्स गो विकी, चलो आ जाओ। लाइट के सामने ज़्यादा रहते हैं एंड ज़्यादातर के हम लोग को स्क्रीन में देखना पड़ता है, बहुत लाइट रहती है सो आँख का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारे विक्की भाई साहब हैं जो हर बार मेरी मूवी हो या मेरा कोई शो हो मेरा मेकअप यही करते हैं विक्की दादा।
एक्चुअली ऐसा तो मैं सो के मेकअप करवाता हूँ, आज कैमरा है इसलिए मैं बैठ के इज्जत से बैठ के करवा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे पसंद है ऐसे सो के आराम से फेस पे मतलब मेकअप हो रहा है ऐसा लगता है मसाज होता है। लेकिन आज तो आप लोग हो इसलिए इज्जत से चेयर पे बैठ गया हूँ मैं। वैसे तो धर्मेश को मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन शूटिंग की डिमांड के चलते उन्हें मजबूरी में मेकअप करवाना ही पड़ता है। मेरा ज्यादातर कैसा होता है कि ज्यादा मेकअप मतलब ना लगे, ओरिजिनल स्किन कलर है वो लगे। लेकिन कभी कभी भावुक हो जाते हैं भाई साहब, पूछो मुझे मेकअप में टचअप करना या ये करना अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता ना। एक्चुअली जब भी आते मैं ये बोलता हूँ बस हो गया यार, ये ओरिजिनल कलर है बहुत ज़्यादा उसको, और ये हर बार बोलते हैं नहीं ना भाई करो ना यार, आप टचअप करने नहीं देते हो, ये करने नहीं देते हो। भाई ये तो मेकअप करवाते करवाते थक गए, लेकिन इनके मेकअप दादा नहीं रुके। देख अब आ रही मुझे नींद है, मैं थोड़ा सा पावन है, सोते सोते मसाज करने का फील ही अलग है। अजब गजब स्टाइल में मेकअप भी हो गया, बाल भी सेट हो गए, अब बारी है नाश्ते की, और नाश्ते में आया है इनका फेवरेट मिसल पाव। ये मेरा फेवरेट मिसल पाव, एक्चुअली रेमो सर को भी बहुत पसंद है। सो आपको पता ही होगा मुंबई वालों को मतलब पता ही है, एक्चुअली देखने आया तो मिसल पाव जो है हर एक सिटी में मिलता है, खास करके मुंबई और गुजरात में बहुत ज़्यादा। सो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है तो चाय के साथ रोटी जो रात की हो, और मॉम तो पता है ना कैसे कि खाना बिगड़ना नहीं चाहिए, तो वही है रात का जो भी है वो सुबह खाना। अभी तो है घर पे कुक हैं वो सब लोग बना देते हैं, बट लेकिन मॉम का डांट के साथ खाने का फील ही अलग है, मतलब आप खाते भी जाओ और डांट चुनते भी जाओ। खाना पीना हो गया, अब बारी है अपने आप को फ्रेश करने की, और धर्मेश का फ्रेश होने का फंडा है डांस। और आज सास बहू और बेटिया में उन्होंने वही डांस किया जो उन्होंने डांस इंडिया डांस 2 के ऑडिशन में किया था। मुझे इतना ही स्टेप याद है। डांस मस्ती हो गई और धर्मेश अपने शूटिंग कॉस्ट्यूम में भी आ गए, लेकिन डांसिंग जोश अब भी बरकरार है। अपनी टीम को डांस सिखाकर वो चल दिए सेट की ओर, जहां उन्होंने अपने दोस्त पुनीत के साथ मजाक मस्ती भी की और अपने फेवरेट रेमो सर से भी मिले। तू चुप रे, तू अंदर जा चल। मैं समझ नहीं रहा हूँ इस इंसान को यार, माइक पे बोल, माइक होता तो मैं आवाज आती मेरी यार। तू रेडी हो जा पहले, तेरे बाल बनाते हैं, जा। टोपी क्यों पहना है? मेरी मर्जी। माइक दे। ये टोपी पहनाता है सबको। चल। ये शूज खराब कर दिए मेरे। और ये है हमारे कर्ता धर्ता रेमो सर। अरे सर आज तक बस सर अपना वो एक स्टेप करना है मुकाबला वाला, तो वही है हम स्टेप करेंगे। सो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी लाइफ जर्नी में कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो फैमिली बन चुके हैं, और जिनको देख के मैं हर बार जितनी बार देखता हूँ तो प्राउड फील करता हूँ। उसमें से धर्मेश है और भी हैं, बट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, एंड बहुत बहुत प्राउड फील होता है जब भी मैं देखता हूँ उसको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड मैं भी बहुत लकी हूँ कि सर मिले। सो यही है, ये हमारे भाई साहब फोटो में बहुत ज़्यादा बिजी है। सो ये है हमारे डांस प्लस का सेट, और हम लोग यहाँ फुल धमाल करते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को मजा आया होगा। सो देखिएगा सास बहू और बेटियाँ। अब वक्त हो गया है डांस प्लस की शूटिंग का, तो हम धर्मेश से अलविदा लेते हैं। उम्मीद है आप सभी दर्शकों ने जाना होगा कि उनके फेवरेट धर्मेश कितने डाउन टू अर्थ हैं। नुपुर मावची, मुंबई आज तक।